नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा। न्यूज़ इंडिया का फेसबुक पेज आप लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो संतों से जुड़ी हुई खबर आ रही है, खबर यह है कि महंत नरेंद्र गिरिजी महाराज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। महंत नरेंद्र गिरिजी महाराज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आ रही है और ये मौत की खबर प्रयागराज से आ रही है। अगर महंत नरेंद्र गिरिजी महाराज की बात करें तो जो इनका एक पूरा जीवन काल रहा है वो देश के लिए समर्पित रहा है। मैंने बहुत से कुंभ कवर किए, जिन कुंभों को कवर करने का मौका मिला। हाल ही में अगर मैं बात करूं प्रयागराज कुंभ की, तो कुंभ मेले का जो एक सफल आयोजन था वो महंत नरेंद्र गिरिजी महाराज के तरफ से हुआ था। दिव्य और भव्य कुंभ था। अपने जीवन काल में महंत नरेंद्र गिरिजी महाराज ने तकरीबन 4 कुंभ आयोजित किए और लगातार वो सभी साधु संतों के साथ बिल्कुल समन्वय बना करके रहते थे और समय समय पर देखा जाता था कि देश को मार्गदर्शन देने का भी काम महंत नरेंद्र गिरिजी महाराज के तरफ से किया जा रहा था। कोरोना काल की अगर बात करें तो जो उनके शिष्य हैं, उनके जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जब मेरी बातचीत होती थी तो बीच में ये खबर आई थी कि कोविड का संक्रमण भी महंत नरेंद्र गिरिजी महाराज को हुआ था, लेकिन वो उससे रिकवर कर गए थे और उससे रिकवर करने के बाद फिर से वो अपने धर्म के कार्यों में लग गए थे। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से ये पूरी खबर आई कि महंत नरेंद्र गिरिजी महाराज का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हुआ है, इससे बहुत से जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये जो निधन है ये प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरिजी महाराज का बाघम्बरी मठ है, उस मठ के अंदर ये निधन हुआ है और जिसके बाद से अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अचानक से महाराज जी को क्या हो सकता है। हालांकि अगर इस मठ की मैं बात करूं, इस मठ के पीछे कई ऐसे मामलों को हमने कवर किया था जिसमें मठ के पीछे एक जमीन है, मठ के पास एक जमीन है, उस जमीन को लेकर के आमने सामने की लड़ाई का माहौल बन गया था। उस पर इनके जो शिष्य थे आनंद गिरी का नाम निकल करके सामने आया था और वो विवाद इस तरीके से तूल पकड़ लिया था। बाद में महंत नरेंद्र गिरिजी महाराज ने अपने शिष्य आनंद गिरी को माफ़ कर दिया था, क्षमा दान दिया था बुला करके, क्योंकि एक षड्यंत्र के तहत गुरु और शिष्य को लड़ाया गया था। आज अगर हम देखें इस पूरे परिदृश्य को सामने रख करके, तो जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरिजी महाराज का निधन हुआ है, निश्चित तौर पे एक शक की सुई जरूर घूम रही है। इस वक्त हमारे पास न्यूज़ इंडिया को जो जानकारी मिल रही है, आपको बता दूं कि जो बातचीत मैंने अपने सोर्सेस से किया है, इसमें साफ तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वस्त किया है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो उत्तर प्रदेश सरकार जमीनी स्तर पर कराएगी। मौके पर जो अपडेट हम लोगों के पास आ रहा है, अगर हम वाघम्बरी मठ की बात करें प्रयागराज की, तो उस पूरे एरिया को जो है सील कर दिया गया है। वहाँ तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको वहाँ पे भेजा गया है, फॉरेंसिक की जो टीम है वो पहुँच गई है और उस मठ के आसपास से जुड़े हुए जो लोग थे, खास करके उस मठ से जो जुड़े हुए लोग थे, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्योंकि महंत नरेंद्र गिरिजी महाराज एक ऐसी शख्सियत थे जो साधु संतों के एक आइकन के रूप में लोग उनको देखते थे। अखाड़ा परिषद की अगर मैं बात करूं, अखाड़ा परिषद वो एक स्थान है, वो एक कुर्सी है अखाड़ा परिषद का महंत होना, कि जो सारे अखाड़ों को जोड़ करके रखता है, यानी कि सारे अखाड़ों का मुखिया हम कह सकते हैं। तो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, उनसे जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं जहां जहां वो पूरा उनका एक दिनचर्या रही है, उस सभी चीज़ों को चेक किया जा रहा है। हालाँकि बीच में ये भी अभी थोड़ी देर पहले एक जानकारी आई थी कि खोजा जा रहा है कहीं कोई सुसाइड नोट तो नहीं लिखा हुआ था नरेंद्र गिरि जी के हाथों। क्या वो दबाव चल रहे थे? उनसे जुड़े हुए जो साधु संत हैं उनसे जब बातचीत थी, उनका यह कहना था कि बिल्कुल स्वस्थ थे और फोन पर अक्सर जो बातचीत थी वो हो जाती थी। हालांकि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर कई जगहों पर इस तरीके से भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने आत्महत्या की होगी, लेकिन उनसे जुड़े हुए लोगों ने इस बात का साफ खंडन किया है कि संत कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। खास करके अगर आनंद गिरिजी महाराज की बात करें, उन्होंने अपने जीवन काल में 4 सफल कुंभ मेले करवाए। इसके अलावा अगर बात करें हाल ही के दिनों में, थोड़ा सा हमने ये भी देखा था कि पॉलिटिकली आनंद गिरि जी नजर आने लगे थे, क्योंकि अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो महंत
आनंद गिरी जी महाराज के पास गए थे, उन्होंने मुलाकात किया था, जिसके बाद से एक तस्वीर निकल करके सामने आई थी। उस तस्वीर को सियासी मायनों के साथ देखा जा रहा था, क्योंकि चुनाव कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश में होने हैं। और कल की अगर बात करें, 19 सितंबर की अगर मैं बात करूं, तो 19 सितंबर को बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम जो कि उत्तर प्रदेश के हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो खुद महंत आनंद गिरी जी महाराज के यहाँ गए थे, लेटे हनुमान मंदिर जो है प्रयागराज में, अक्सर आपको वहाँ वो मिल जाएंगे महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज। और हमेशा कोई भी जाता था दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो लेटे हनुमान का जो मंदिर है प्रयागराज में, बिल्कुल महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज आसानी के साथ लोगों से मिलते थे और बहुत प्यार के साथ उनका जो स्वभाव था, बहुत आदर सत्कार के साथ बातचीत करते थे। और उनके आश्रम की अगर मैं बात करूं, कोई भी चला जाए, हम लोगों का अक्सर आना जाना वहाँ पे आश्रम में हुआ है, कवरेज के कार्यों के वजह से, ग्राउंड रिपोर्टिंग की वजह से, तो हम लोग देखते थे कि टीम में कितने भी सदस्य हों, सभी सदस्यों का बराबर वो सम्मान करते थे, शॉल देते थे। और इसके अलावा जब हम वहाँ से निकलते थे, तो बिना भोजन किए वो अपने उस स्थान से, अपने उस मठ से नहीं निकलने देते थे। एक संत के हैसियत से अगर देखें उनके पूरे जीवन काल को, तो जितने भी कुंभ मेले यानी कि जो धार्मिक आयोजन होते रहे हैं, सभी धार्मिक आयोजनों में संत के साथ जो समन्वय बनाने की बात होती थी, महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज को आगे कर दिया जाता था। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार बनी थी, नई नई सरकार थी भाजपा की, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने, तो आपको याद होगा कि कई बार प्रयागराज का वो दौरा किए, और जब भी योगी आदित्यनाथ प्रयागराज का दौरा करने जाते थे, तो महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज से मिलने बाघम्बरी मठ में जरूर जाते थे। और नरेंद्र गिरी जी महाराज की अगर बात करें, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कुंभ मेले का आयोजन कर रहे थे, उस कुंभ को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहा गया था, जिस तरीके से उस कुंभ मेले को आयोजित किया गया था, और उसमें बड़ी भूमिका रही थी महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज की। सरकार के साथ जो एक बेहतर समन्वय बनाने की बात है, वो महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज हमेशा रखते थे। हम लोग देखते थे कि जितने भी कुंभ मेले का आयोजन होता था, जब उनको कोई जिम्मेदारी रहती थी, क्योंकि जितने भी कुंभ मेले होते थे, अखाड़ा, तमाम अखाड़ों के साधु संत अलग अलग स्थानों से पहुंचते थे, उन साधु संतों की किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी, किस दिन कौन सा अखाड़ा जो है वो स्नान करेगा, शाही स्नान में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, ये सभी बातें उनको बड़ा ध्यान रहती थी। तो ये जो एक्टिविटी रही थी धार्मिक कार्यों में, वो हमेशा बड़े तत्परता के साथ देखने को मिलती थी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, वो यही है कि महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियां इसलिए कही जा रही हैं, क्योंकि अब तक किसी प्रकार से ये नहीं पता चल पाए कि जो व्यक्ति इतना स्वस्थ था, जो कोरोना से भी रिकवर कर गया था, और कोरोना के बाद भी लगातार पॉलिटिकली लोगों से मिलजुल रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उनसे अभी मुलाकात किया, उससे पहले अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के से रहे हैं, वो गए थे मिलने के लिए, तो सभी से मेल मुलाकात रही है। और अगर हम देखें इस पूरे मसले में, बीच बीच में जब उनके कोई वीडियोज आते थे, कोई चीजें होती थी, तो वो सरकार के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उन कार्यों की भी अक्सर सराहना करते नजर आते थे। मैं आपको एक और बात यहां बता दूं कि जो महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज से जुड़ी हुई आ रही है, कहा जा रहा है कि जो उनका बाघम्बरी मठ है, उस मठ से एक सुसाइड नोट बताया जा रहा है कि मौके पर पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। और उस सुसाइड नोट की अगर मैं बात करूं, तो 8 पन्नों का वो सुसाइड नोट है। आखिर उस 8 पन्नों में क्या बातें लिखी गई होंगी। दरवाजा जो था वो अंदर से बंद था, उस दरवाजे को तोड़ा गया है, ये भी एक जानकारी आ रही है हमारे पास। यानी कि जो जिस कमरे में थे महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज, उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था, और बंद दरवाजे में अंदर काफी देर से, मतलब उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा था, किसी ने नॉक किया यानी कि कोई गया, दरवाजा नहीं खुला। उसके बाद से ये चीजें निकल करके सामने आने लगी कि आखिर इतने देर से कमरा क्यों बंद है। तो अब आप देखिए उसमें जो अपडेट अब हमारे पास आ रहा है, यानी कि एक सुसाइड नोट मिला है, जिस चीज का शक था क्या क्यों सुसाइड कर सकते हैं महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले की इसीलिए जांच कराएगी, जो कि मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि एक बड़े संत का निधन हुआ है। और अगर एक नरेंद्र गिरी जी महाराज की बात करें, तो सारे अखाड़ों के एक अगुआ रहे हैं, उनके निधन के बाद ये सवाल वाकई खड़ा होता है कि आखिर निधन उनका हुआ है तो उसके पीछे परिस्थितियां क्या रही होंगी। हालांकि अभी कोई भी उनसे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उनसे जुड़े हुए जो साधु संत हैं, किसी प्रकार के किसी विवाद से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरी स्थिति बनी है, ये कह सकते हैं कि कमरे का अंदर से बंद होना, वहां से
सुसाइड नोट मिलना, और ये जो सुसाइड नोट मिला है तकरीबन 8 पन्नों का ये सुसाइड नोट है, जिसमें लिखा हुआ है कि मानसिक रूप से वो परेशान चल रहे थे। कौन उनको मानसिक रूप से परेशान कर रहा था, कौन था जो महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज को लगातार टारगेट पर रखा हुआ था, कौन उनको दबाव में रखा हुआ था, ऐसे बहुत सारे जो सवाल हैं वो खड़े हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करें इस वक्त प्रयागराज के उस स्थान की जिस जगह पर उनका निधन हुआ है, मौके पर आईजी डीआईजी भी पहुंच चुके हैं, और खबर ये भी आ रही है कि कल सुबह जिस तरीके से उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि सूबे के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज से सीधे संपर्क में रहते थे, और निश्चित तौर पर उनके जो अनुयायी हैं देश विदेश में फैले हुए हैं, लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं, लाखों करोड़ों उनके शिष्य हैं, तो वो भी वहां पर एकत्रित होंगे। तो कल जिस तरीके से अंतिम संस्कार की बात की जाएगी और तमाम साधु संतों का जो जत्था है वो वहां पर पहुंचेगा, प्रशासन का जो पूरा अमला है, प्रशासनिक अमला वहां पर पूरी तरीके से पहुंच चुका है, तो ये एक कल पे कल की सारी बातें जो हैं वो भी आपको हम लगातार बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल में जो बड़ी जानकारी आ रही वो यही है कि ये जो पूरा महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के निधन का मामला है, निश्चित तौर पे इसकी जांच कराई जाएगी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है। सुसाइड नोट का मिलना मौके से इस चीज़ को बताता है कि आखिर वो परेशान चल रहे थे, मानसिक तौर पर ठीक नहीं थे, ऐसा सोर्सेज जो है वो जानकारी दे रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इन सभी कारणों का जो पता है वो फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो जरूर लगाएगी। हालांकि अभी जो माहौल है प्रयागराज के अंदर, अगर हम बात करें उस मठ का, तो वहां पर लगातार जो पुलिस है, फॉरेंसिक की जो टीम है, वो वहां पर लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनसे मिलने जुलने वाले जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रही है। रस्सी से लटका हुआ शव मिला है उनका बंद कमरे में, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये किसी प्रकार से कोई साजिश नहीं हो सकती है। क्या ये हत्या की गई, क्या आत्महत्या उन्होंने की, ये दो ऐसे सवाल हैं, दो ये यक्ष प्रश्न हैं जिस पर जिसके इर्द गिर्द ये पूरी जांच घूमेगी। क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है, दरवाजा बंद था, मौके पर पुलिस पहुंची, दरवाजे को तोड़ा और अंदर उनका एक रस्सी से लटकता हुआ जो शव था वो मिला है। इन तमाम कड़ियों को जोड़ने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाता है कि अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी और खुद इसमें देखिएगा योगी सरकार जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि एक संत की किस तरीके इस जिन परिस्थितियों में हत्या की गई या आत्महत्या की गई इसको पता लगाना बेहद जरूरी है। हालांकि जो विवाद की मैं बात आपको बता रहा हूं, आनंद गिरी जी जो इनके शिष्य थे, बीते कुछ दिनों पहले आपस में एक विवाद जरूर हुआ था, वो जमीन का विवाद था, कुछ लोग लालच में आश्रम के आसपास की कुछ जमीनें थी जिनको बेचना चाहते थे, या उस पर क्रय विक्रय को लेकर के कोई बवाल था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने शिष्य को क्षमादान कर दिया था, माफ कर दिया था, वो विवाद खत्म हो गया था। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या के पीछे कोई और है, इसकी भी जांच कराई जाएगी। फिलहाल अभी न्यूज इंडिया पर फेसबुक लाइव में मेरे साथ इतना ही, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।